अगर आप इसमें कुछ चीजें छोड़ भी देंगे और अगर आप इसको मेंटेन कर गए, अब ये इतनी आसान चीज है ना कि बच्चों को ये चीज विश्वास नहीं होता कि ऐसे करने से सिलेक्शन हो सकता है। बेटा बस आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाइए। सर मैं कौन सी किताब लगाऊं, कौन से क्वेश्चन लगाऊं, सर मेरा डीपीपी का बैकलॉग, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था ये रास्ता आपका टफ हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। जो बताया जा रहा है प्लीज आप उसको पढ़ते हुए जाइएगा, 100 मार्क्स आपके आसानी से आ सकते हैं। कोई भी बच्चा जिसने थोड़ी बहुत तैयारी करी है, वो थोड़ा सा भी कंसिस्टेंट था, 10 क्वेश्चन फिजिक्स में, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री में और 10 क्वेश्चन मैथ्स में वो आसानी से कर सकता था इस बार। अब आपके बारे में टफ होता है या नहीं होता, तो 10 से ज्यादा 8 या 12 इसी का रेंज होगा। 8 क्वेश्चन भी अगर आपके टाइम में आसान आ रहे हैं तो आपको वो करने ही चाहिए। जबरदस्ती अगर आप कॉम्प्लिकेट करेंगे बेटा तो आप अपनी रैंक खोएंगे और कुछ खोने के लिए नहीं है इसके अलावा। अब बात वही है, जब हम लोग इन सारी चीजों को टच करते हैं तो मैं एक आपको रियलिटी बात बताता हूँ, आपको कंफर्ट में पढ़ाया जा रहा है ना, वही आपका सबसे बड़ा। अब वही बात है, जैसे हमारे पेरेंट कहते थे हम तो इतने स्कूल जाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलते थे, हमें लगता था हमें क्यों बता रहे हो, हमारा स्कूल तो ये। अब मैं वही बात आज फील कर रहा हूँ कि जब हमें अपने पेरेंट्स अपना स्ट्रगल बताते थे तो हमें वो यूजलेस लगता था, और हमारे जो पर्क्स मिल रहे होते थे हमें वो लगता था ये तो नॉर्मल है। आपको ऑनलाइन की जो पर्क्स मिल रहे हैं वो शायद आपको नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन वो मैं लिटरली बता रहा हूँ, हमारा एक भी लेक्चर मिस होता था तो हम नहीं देख पाते थे। हमारे पास कोई भी प्रिंटेड फॉर्म में क्वेश्चंस या वो चीजें नहीं होती थी, सीधे बुक खरीदनी पड़ती थी, पेरेंट को कन्विंस करना पड़ता था, हमारे घर पे बैठ के लेक्चर्स नहीं हो सकते थे। हमारे अगर डाउट्स आ रहे होते थे तो वो घर पे बैठ के पॉसिबल नहीं था कि कोई बता दे, और अगर कोई होम ट्यूशन लगवाता था तो 1000 रुपए 1 घंटे का चार्ज देना पड़ता था, इतनी औकात नहीं थी। आप अपने 3-4 चीजों को याद रखिए, डीपीपीज है, आपके पीवाईक्यू है, आपके मॉड्यूल है और एचसी वर्मा। इतना भी अगर आप कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप इसमें कुछ चीजें छोड़ भी देंगे और अगर आप इसको मेंटेन कर गए तब भी आपका सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। अब ये इतनी आसान चीज है ना कि बच्चों को ये चीज विश्वास नहीं होता कि ऐसे करने से सिलेक्शन हो सकता है, और जो नहीं मानते कि इससे होता है वही कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने तैयारी को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, और कुछ नहीं होता, आपकी तैयारी सिर्फ कॉम्प्लेक्स हो जाती है। आप टारगेट बना लेते हैं कि मेरे को 200-250 क्वेश्चन लगाने हैं, इस टॉपिक के ही लगाने हैं। जब आप वो लगाते हैं तो केमिस्ट्री में आपको नुकसान दिखता है, केमिस्ट्री में अगर आप 200-250 क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको मैथ्स में नुकसान दिखता है, तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंसिंग की वजह से आपका टेम्परामेंट खराब होता चला जाता है, और फिर बाद में डिप्रेशन DI वाला जो बच्चे लिखते हैं वो होना स्टार्ट होता है। आप मिनिमम टाइम में मिनिमम चीजों को पढ़ के अगर आप अपनी रैंक निकाल सकते हैं तो वो बेस्ट तरीका है। वहां पर जो 200+ ला रहे थे उन्होंने बस